यही वो नरेश जी हैं जो पहले साइकिल नहीं चला पाते थे और चल ही नहीं पाते थे, खड़े होने में दिक्कत आ रही थी, हम खड़े नहीं हो पाते थे। 100 ग्राम गौंसिया 100 ग्राम अलसी मिला के उसका पाउडर बनाया और दो चुटकी जैसे हकीम जी ने बताया था हम लेते हैं। तो नरेश सर को घुटनों का दर्द था। अच्छा लगता है देख के जब गौंदसिया इतना ज्यादा आपको असर दिखा देता है, आप इतने फिट हो जाते हैं, लेकिन अब आप कितनी फुर्तीली तरीके से उठ जाते हैं देखना चाहूंगी। 70 साल के नरेश कुमार सहगल जी एक सक्रिय व्यक्ति हैं जो अपने रोज के बाहरी कामों को साइकिल के माध्यम से पूरा किया करते हैं। ये दिल्ली के जहांगीरपुरी में DDA फ्लैट्स में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहते हैं। उम्र का तकाजा और कुछ महीने पहले स्टैंड डलने के बाद से अचानक इनके घुटनों में इतना दर्द हुआ कि इनका चलना फिरना तो दूर की बात, ये खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। घुटनों में तकलीफ इतनी बढ़ गई थी कि बिस्तर से खड़े होने में इन्हें 5 से 6 मिनट लगने लगे थे। खड़े होने में दिक्कत आ रही थी, हम खड़े नहीं हो पाते थे, 5-7 मिनट हमको कम से कम लग जाते थे खड़ा होने में, एकदम बिल्कुल बाथरूम जाना इधर जाना उस समय हमको काफी दिक्कत थी। अच्छा। तो हमें ये सोफे का सहारा लेना पड़ता था। हाँ, हाँ। तो सोफे का सहारा लेते लेते हम खड़े हो पाते थे बिल्कुल। घुटनों के दर्द के कारण इनके साधारण काम भी कठिन हो गए थे, खड़ा होना एक चुनौती बन गया और साइकिल चलाना तो बिल्कुल असंभव लगने लगा। इनका जीवन बिस्तर पर ही गुजरने लगा था। हकीम सुलेमान खान साहब से ये कई सालों से जुड़े हुए थे, उनके नुस्खे अपनी डायरी में लिख कर रखते और उनको बनाकर इस्तेमाल भी करते हैं। ये सारे नुस्खे हैं, ये सब हकीम जी के लिखे हुए हैं, सब सौंफ जीरा इनके फार्मूले अजवाइन वगैरह ये सब हम लेते रहते हैं। तो इनके लेने से हम ठीक ही रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हकीम सुलेमान खान जी से जुड़ने की वजह से ही इन्हें गौंदसिया के बारे में पता चला। जब इन्होंने हकीम साहब से टीवी पर सुना कि पैरों की तकलीफ के लिए असली गौंदसिया एक असरदार जड़ी बूटी है, इसी के बाद उन्होंने अपने घुटनों की तकलीफ के लिए गौंदसिया मंगवा कर खाना शुरू किया और अब 3 महीने में ही इन्हें 60% राहत मिलने लगी है। गौंदसिया उसमें हमने अलसी 100 ग्राम गौंदसिया 100 ग्राम अलसी मिला के उसका पाउडर बनाया और दो चुटकी जैसे हकीम जी ने बताया था हम लेते हैं और बराबर लिया अपने टाइम के, तो उस चीज़ से हमको काफ़ी आराम मिला है। ये कहते तू भी खाया करो, मैंने कहा मैं अभी नहीं खाऊंगा, इन्होंने भी दवाई खाई है, फर्क पड़ा है उनको दवाई से। गौंदसिया के असर का सबूत यही है कि अब इन्हें खड़े होने में कोई तकलीफ नहीं होती, चुटकी में बिस्तर से उतर जाते हैं, यहाँ तक कि सीढ़ियों से चढ़ने उतरने के साथ अब इन्होंने साइकिल से अपने सारे काम शुरू कर दिए हैं। यही देखने हम पहुँचे इनसे मिलने दिल्ली के जहांगीरपुरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में, मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी हम पहुंच गए जहां पे DDA फ्लैट है और मेरे साथ बिल्कुल बाजू में इस वक्त साइकिल पे हैं नरेश कुमार सहगल साहब जिनकी उम्र है 70 वर्ष। और देखिए अभी आपने देखा कि उन्होंने कितने अच्छे से साइकिल चला के वो आए हैं, यही वो नरेश जी हैं जो पहले साइकिल नहीं चला पाते थे और चल ही नहीं पाते थे। ये साइकिल जो आपने अभी चलाते हुए इनको देखा है, वाकई में ये यकीन कर पाना तब तक मुश्किल था जब तक हम नरेश जी से नहीं मिले थे। और जो अच्छी तरह से इन्होंने अभी साइकिल चलाई है तो आपने भी देखा और इन्हीं की कहानी जानने हम इन्हीं के घर पे आए हुए हैं। तो नरेश जी साइकिल चला लेते हैं अच्छे से, अब आपके सामने चलाई है जी, तो किसी तरीके की कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। ये तो आपके घर के नीचे तो हम खड़े हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपको हम ऐसे फिट देख रहे हैं, तो आपके घर पे भी चलते हैं, आपसे बहुत सारी बातचीत करनी है, आइए चलिए चलिए। तो सर आपके घर पे चले, मुझे यहाँ पे सीढ़ियाँ दिख रही है, कौन सी मंजिल पे आपका घर है? पहली मंजिल पर ही है जी। पहली मंजिल पे आपका घर है तो सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे? हाँ बिल्कुल चल। चलिए चलिए हमें सीढ़ियाँ भी चढ़ के दिखाइए आप। तो नरेश सर को घुटनों का दर्द था, गौंदसिया का इस्तेमाल सेवन नरेश जी ने किया, तो सर आप सीढ़ियां तो चढ़ के आ गए हैं, तो किसी तरीके की कोई थकान महसूस हो रही है? कोई थकान नहीं जी, कोई थकान नहीं है। तो कहना है नरेश जी का कोई थकान नहीं है। तो इनके घर के अंदर हम पहुंच गए हैं और बहुत सारी बातचीत हम इनसे करने वाले हैं, तो चलिए दर्शकों मेरे साथ जी। सर बैठिए जी जी। तो चलिए दर्शकों अपनी बातों का सिलसिला यहाँ पे शुरू करते हैं और मिलकर स्वागत करेंगे नरेश जी का। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत आपने शुक्रिया अपना वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं जी। सबसे पहले तो आपका पैर में देख पा रही हूँ कि यहाँ पट्टी बंधी हुई है, ये क्या हो गया? ये हमारा साइलेंसर से जल गया था मोटरसाइकिल से। अच्छा अच्छा अच्छा। हम बाजार जा रहे थे तो वहाँ थोड़ा मोटरसाइकिल झुक गया था तो उससे हमारा साइलेंसर में चिपक गया था, ये तो काफी
जल गया था ये। अच्छा अच्छा, तो अभी ठीक अभी है? हाँ, अभी आराम है। चलिए आपसे हम सवाल कर लेते हैं अब, आपसे मिलने का जब हमें मौका ही मिल गया है। शुक्रिया जी। नरेश सर, आपको समस्या क्या थी, आप हकीम साहब से जुड़े कैसे? हकीम जी को हम बहुत काफ़ी समय से हम सुनते रहे, तो उनके फार्मूले हमारे पास किताब में नोट भी हैं, हमने लिख के रखे हुए थे। और बचपन में भी हम, बचपन के 15 साल हमारे फादर के दोस्त थे हकीम खुशी राम जी, वो यूनानी हकीम थे, तो बचपन भी हमारा उन्हीं की दवाओं से ही गुजरा जब कभी भी तकलीफ हुई। अब उसके बाद फिर ठीक ठाक रहे, अभी आगे दिक्कत हो गई थी तो हम हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए, उसके बाद में हमको खड़े होने में दिक्कत आ रही थी, हम खड़े नहीं हो पाते थे, जबकि हमको डॉक्टर जी ने भी कहा था कि आप पैरों को हिलाइए, ऐसे ऊपर नीचे करते रहिए, आप उसके बाद ही खड़े हो पाएंगे। फिर हमको हकीम जी का फार्मूला हमको पता था, हमने गौंसिया मंगाया था, तो गौंसिया है, तुलसी कैप्सूल है, और जैतून का सिरका भी उन्होंने दिया हमको, हमने उनका इस्तेमाल किया। उनके इस्तेमाल से हमारे अंदर अंदरूनी पावर भी बढ़ी और हम खड़े होने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तुरंत खड़े हो जाते हैं। पहले हमको 5-7 मिनट लगते थे, अभी हम तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो 5-7 मिनट आपको खड़े होने में लगते थे, ये मैं समझ नहीं पाई। मतलब उसके अंदर जैसे हम खड़े होते थे तो हम एकदम बिल्कुल खड़े नहीं हो पाते थे, तो हमें ये सोफे का सहारा लेना पड़ता था। तो सोफे का सहारा लेते लेते हम खड़े हो पाते थे बिल्कुल, लेकिन अभी वो चीज नहीं है, अभी हम तुरंत खड़े हो जाते हैं, तुरंत खड़े हो जाते जी हैं। आपने मुझे ये पैरों की परेशानी बताई कि आपको घुटनों में दर्द हो गया था, ये हो कैसे गया था? मतलब ये हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन के बाद में ये हो गया था, ये हमको जब हॉस्पिटल में गए थे तो हमको फेफड़ों में पानी भरने की शिकायत बताई गई थी, तो उसी में उन्होंने एक स्टंट भी डाल दिया था हमको। तो स्टंट डालने के बाद जब हॉस्पिटल में, वहीं से ही हॉस्पिटल में भी हमको दिक्कत थी, और उन्होंने कहा था आपको 4-6 महीने लगेंगे, लेकिन हमने उसके बाद में 3 महीने के बाद में हमने हकीम जी का गौंसिये का इस्तेमाल किया था, तो अभी उसको 3 महीने हो गए, और 3 महीने में हमको बहुत आराम है और हम ठीक हैं। अभी मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि वो जो 5-7 मिनट आपको लगते थे, लेकिन अब आप कितनी फुर्तीली तरीके से उठ जाते हैं, दिखा देते हैं आपको। बिल्कुल, देखना चाहूंगी। ये खड़े हुए जी। पहले जो होता था, पहले हम खड़े होते थे तो इस तरीके से खड़े होते थे, कम में काफी समय लग जाता था हमको एकदम ऐसे खड़े होने में, अब तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, इतना फायदा तो हमको है ही है। तो सर काफी तकलीफ रही है आपको, जिस तरीके से आपने अभी मुझे दिखाया कि आप सोफे पकड़ के फिर उठते थे आप, और अभी जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि आप एकदम फट से उठ गए हैं सर, वाकई में मतलब ये तो बहुत अच्छा हो गया आपके साथ। कितने दिनों में सर आराम लगना आपको शुरू हुआ? स्टार्टिंग के 15 दिन के बाद में शुरुआत हो गई थी, तो फिर 2%, 5%, 10%, तो 3 महीने होने तक अब हमको 50% से 60%, 70% तक हमको आराम है, अंदरूनी ताकत भी हमको मिल रही है, ऐसा दवाइयों से मैं अनुभव करता हूँ। तकलीफ किस हद तक होती थी, क्योंकि जो मैंने अभी देखा है सर, देखिए तकलीफ जब बेइंतहा होती है तभी हम किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, और आप झुककर जैसे कि सोफे पकड़ रहे थे, तो किस हद तक आपको तकलीफ होने लगी थी उन 3 महीनों में? 3 महीने से पहले तो हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, हम खड़े ही नहीं हो पाते थे, 5-7 मिनट हमको कम से कम लग जाते थे खड़ा होने में, एकदम बिल्कुल बाथरूम जाना इधर जाना, उस समय हमको काफ़ी दिक्कत थी, अभी हम ठीक हैं। गौंदसिया का आपने इस्तेमाल किया? गौंदसिया जी, हाँ, गौंदसिया, उसमें हमने अलसी 100 ग्राम गौंदसिया, 100 ग्राम अलसी मिला के उसका पाउडर बनाया, और 2 चुटकी जैसे हकीम जी ने बताया था हम लेते हैं, और बराबर लिया अपने टाइम के, तो उस चीज़ से हमको काफ़ी आराम मिला है। आपने गौंदसिया का यहाँ पे जिक्र किया, कभी आपने इसके बारे में सुना था, कभी आपने देखा था? हकीम जी के प्रोग्राम में बताते हैं कि जब पैरों में कोई तकलीफ हो तो गौंदसिया का इस्तेमाल करना चाहिए, और गौंसिया होना भी असली चाहिए, तो असली तो बाजार में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमने हकीम भी सही मंगाया था। सर आप हकीम साहब का प्रोग्राम देखते थे, आपने गौंसिया का जिक्र सुना हकीम साहब से, तो आपको ये कैसे लगा कि क्या मैं गौंसिया से ठीक हो सकता हूँ? नहीं, ये तो फिर हकीम जी के ऊपर हमको विश्वास है ना जी, तो जब हकीम जी पर विश्वास है तो उनकी दवाई पर भी विश्वास करना ही पड़ेगा हमको। हकीम जी पर हम विश्वास करते हैं। कब से जुड़े हुए हैं आप? हम बहुत साथ, बहुत समय से हम उनसे जुड़े हुए हैं, चाहे उनकी हमने चीज़ों का अभी इस्तेमाल, क्योंकि बीमारी कभी नहीं हुए,
तो इस्तेमाल ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, जैसे दूध में हल्दी मिला ली, मेथी दाने का इस्तेमाल कर लिया, ऐसे ही घरेलू इलाज करते थे। लेकिन जब तकलीफ हुई तो गौंसिया का भी हमने इस्तेमाल किया और गौंसिया से हमको बहुत आराम भी मिल रहा है। और हम चाहेंगे कि जनता को जिसके पैरों में दर्द है तो हकीम जी के गौंसिया का इस्तेमाल करे तो उसको फ़ायदा मिलेगा। तो गौंसिया जब आप तक पहुंचा तो आपको वो देख के कैसा लगा कि क्या है ये काला गौंद? जी हाँ जी हाँ। तो क्या लग क्या रहा था वो, क्योंकि वो एक पत्थर की तरह आता है? वो तो हकीम जी की फार्मूला है, उनकी दवाई है, तो हमें विश्वास भी करना है। हमने उसको पीस के तैयार कर लिया था, पाउडर बना लिया उसका, बस लास्ट बचाया आज का। अच्छा, अभी है आपके पास? जी हाँ, बस आखिरी खुराक रह गई, 3 महीने पूरे हो गए ना। 3 महीने का कोर्स था वो। ठीक है, मैं देख सकती हूँ? जी हाँ जी हाँ, ये दिखा देते हैं। देखो ये रहा गौंसिया का ये डिब्बा जी, ये जरा सा बचाया, ये है जी लास्ट पाउडर है, ये 3 महीने का कोर्स मेरा पूरा हो गया है। ये आखिरी बचा है मेरे पास। तो देखिए पूरा डब्बा ही खाली हो चुका है और ये बिल्कुल इन्होंने पीस लिया था गौंसिया, और नरेश जी के हाथ में आप देख सकते हैं ये 3 महीने का इन्होंने कोर्स किया गौंसिया, आप देख सकते हैं। ये कितना लेते थे आप, ये बताइए? 2 चुटकी अब दो, ऐसे दो। अच्छा जी हाँ, दो बारी जो दो बारी दो चुटकी। अच्छा, एक बार में 2 चुटकी। किसके साथ लेते थे? हम पानी के साथ ही ले लेते हैं वैसे। अच्छा अच्छा जी अच्छा। हाँ। वो चुटकी दिखाइए, कितनी चुटकी होती है? ये चुटकी हो गई जी, एक चुटकी, ये एक, ये लास्ट बची है आखिरी 2 चुटकी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलिए इसमें डाल दीजिए। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे उठते हुए देखा तो मुझे ऐसा लगता है सर कि आप को अगर एक्सरसाइज करने को कही जाए तो आप आसानी से कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसी बात। तो अगर मैं कहूँ कि मैं खुद भी देखना चाहूँगी, अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगी कि आप दंड बैठक कर सकते हैं बहुत आसानी से, तो क्या ये मुमकिन है इस वक्त? हाँ कर देंगे, कोई ऐसी बात ज़्यादा नहीं, तो थोड़ी बहुत तो कर ही देंगे। मतलब कर सकते हैं आप जी हाँ। तो हमें करके दिखा सकते हैं दंड बैठक? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो देखना चाहूँगी। कमाल ही है दर्शकों, देखिए 70 साल के नरेश जी देखिए दंड बैठक कर रहे हैं, और तकलीफ उनको है पैरों में क्योंकि उनका साइलेंसर से पैर जल गया था। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और माफ़ी के साथ कहना चाहूँगी कि हमने आपसे ये तकलीफ करवाई है। लेकिन अच्छा लगता है देख के जब गौंदसिया इतना ज़्यादा आपको असर दिखा देता है, आप इतने फिट हो जाते हैं ऐसी उम्र में, आपकी उम्र भी 70 साल है सर। तो क्या आप सर के कोई नुस्खे या दवाइयाँ लिखते भी थे, डायरी मेंटेन करते जी हैं? अच्छा, लिखते हैं आप? बिल्कुल लिखते हैं जी, मेरे पास डायरी है। अच्छा, तो मैं दिखा सकता हूँ आपको जी। तो सर आपने ये कॉपी मेंटेन की है जी? ये सारे नुस्खे लिखे हुए हैं जी जी। देखो ये सारे नुस्खे हैं, ये सब हकीम जी के लिखे हुए हैं सब जी। ये घर पे भी आपने बनवाए जी? जी, क्या क्या चीज़ें आपने इस्तेमाल की ये बताइए, कौन एक नुस्खा हमें बताइए। जैसे मेथी दाना है, दूध में हल्दी है, सौंफ, जीरा, इनके फार्मूले, अजवाइन वगैरह, ये सब हम लेते रहते हैं। तो इनके लेने से हम ठीक ही रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इनके फार्मूले हम हमेशा नोट रखते हैं और इसका इस्तेमाल भी करते हैं। अच्छा, उन 3 महीनों में आपने गौंदसिया के अलावा और कोई भी दवाई इस्तेमाल की? कोई दवाई नहीं, जो डॉक्टर ने दवाई दे रखी थी अपने हार्ट वगैरह की मैं वही लेता था। उसके अलावा मैं दर्द निवारक दवाई पर मेरे को कोई भरोसा नहीं है, ना मैं लेता हूँ। तो अभी जो मेरे को गौंसिया से बहुत आराम मिला है और इस पर मुझे पूरा भरोसा है, और मैं चाहता हूँ कि जनता भी भरोसा कर सकती है। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? सपोर्ट मेरी फैमिली का, सपोर्ट सबका है जी। मेरा बेटा बहुत मेरी मदद करता है, मेरी पत्नी है, मेरे बेटे ने तो मेरी बहुत मदद करी है। अंजना सहगल मैम, आपने सर की जो तकलीफ देखी है तो क्या कुछ परेशानी उनको रहती थी, कितनी तकलीफ में वो रहते थे, कितने परेशान? ज़्यादा चल भी नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी इनको टांगों में। इनको साइकिल में पहले तो बहुत साइकिल करी इन्होंने, फिर साइकिल जब जरा से चलाते थे तो इनको सांस उघड़ने शुरू हो गई थी। फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि ज़्यादा साइकिलिंग नहीं करनी है तुमको, तो फिर तब से इन्होंने बंद कर दिया साइकिल चलाना। गौंदसिया का इन्होंने इस्तेमाल किया तो अब कितना आराम आप देख पा रही हैं? आप देखिए, आपके सामने ही है। ये कहते तू भी खाया करो, मैंने कहा मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं ये तो फिर भी रेगुलर करके दवाई ले लेते हैं, मैं थोड़ी लापरवाही कर देती हूँ दवाई लेने में। इन्होंने भी दवाई खाई है, फ़र्क पड़ा है उनको दवाई से।
तो दर्शकों, आज हमने आपको मिलवाया नरेश कुमार सहगल जी से, जो 70 साल के और 3 महीने में गोंद सिया ने वो कमाल करके दिखाया, जिसका रिजल्ट देखिए हम उनके घर पे आकर हमने भी देखा और आपको भी दिखाया। तो आज की कहानी से यकीनन आपको भी प्रेरणा मिली होगी, तो ऐसे ही आप लोग भी स्वस्थ और सेहतमंद रह सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, मैम आपका भी, हमें वक्त देने के लिए। और आप ऐसे ही स्वस्थ रहें सर, सेहतमंद रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, मुझे भी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।